वहीं सोमालिया के समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू किए गए पाकिस्तानी नाविकों ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए और भारतीय नौसेना को धन्यवाद किया। सोमालिया ने 23 पाकिस्तानी नाविकों को बंधक बनाया था। नौसेना ने 29 मार्च को ऑपरेशन चलाकर इन्हें रेस्क्यू किया था। नौसेना को हिंद महासागर के अदन की खाड़ी के पास ईरानी जहाज अल कबर के हाईजैक होने की सूचना मिली थी। इस पर सोमालिया के 9 समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया था। बता दें कि पाकिस्तानियों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स ने कह रहा है, मैं अमीर खान हूँ, मैं इस जहाज का मास्टर हूँ, हम ईरान से आ रहे थे तभी लुटेरों ने हमारे जहाज को हाईजैक कर लिया। 29 मार्च को 3 बजे इंडियन नेवी हमारी मदद में जुट गई थी। पूरी रात उन्होंने काम किया, उन्होंने हमें आजाद करवाया। इंडियन नेवी का शुक्रिया, इंडिया जिंदाबाद। मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का, अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर, मुझे सोमालियों ने हाईजैक किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी इनकी 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है, अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद।